नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप? बढ़िया। ओके, चलो आज हम हमारा आखिरी जो स्वर है आहा वो पढ़ेंगे, ठीक है? तो देखो, स्वर आहा की पोएम पहले बताएंगे टीचर आपको, आपको रिपीट करना है टीचर के पीछे, ठीक है? चलो बोलो टीचर के पीछे। आहा खाली ने शोर मचाया, जोकर आया जोकर आया। अच्छी लगी पोएम? गुड। चलो अभी हम स्वर आहा कैसे लिखना है ये सीखेंगे, ठीक है? देखो कितना इजी है, सबने ऑब्जर्व करो कितना इजी है। देखो स्वर और आहा लिखना, पहले हमें क्या करना है? अ लिखना है, स्वर अ लिखना है, और स्वर अ लिखने के बाद हमें सिर्फ टू डॉट्स देने हैं साइड में, ठीक है? और आपने बोलना भी है टीचर के पीछे स्वर आहा, और आपको ये जो डॉट्स है वो प्रॉपरली स्टैंडिंग लाइन में देने, ठीक है? इधर उधर देने नहीं और ज्यादा क्लोज भी नहीं देने, प्रॉपरली डिस्टेंस रख के आपको स्टैंडिंग लाइन में ही देने हैं। ये बन गया अपना स्वर आहा। राइट स्वर अ फर्स्ट एंड देन टू डॉट्स देने हैं आपको साइड में, ठीक है? सबको समझ में आ गया स्वर आहा? ये हमारा आखिरी स्वर है, अ से आहा तक हमने स्वर पढ़े, ठीक है? तो अच्छे से प्रैक्टिस करनी है आपको, राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है टू लाइन नोटबुक में, और पूरा होमवर्क टीचर कल चेक करने वाले हैं आपका, ठीक है? और स्वर आहा का पर्टिकुलर ऐसा कोई पिक्चर नहीं है, स्वर आहा ये जो मात्रा है ये कुछ कुछ वर्ड्स में यूज की जाती है, जैसे प्रातः नमः ऐसे जो वर्ड्स होते हैं उसमें स्वर आहा की मात्रा यूज की जाती है। अंडरस्टूड एवरीवन? ध्यान में रखना है सबने और प्रॉपरली प्रैक्टिस करनी है राइटिंग की, ठीक है?